मैं पास्टर साइमन कामरन आपको स्पिरिचुअल इनकाउंटर में वेलकम कहता हूं आज जो मैसेज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं उसका टाइटल है ऑर्डनरी टू एक्स्ट्रा यानी यानि के आम से खास मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस उसका दूसरा बाप और उसकी नौवीं और दसवीं आयत इसमें कुछ यूं लिखा है लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल शाही काइनों का, का फिरका मुकद्दस कौम पर ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है ताकि उसकी खूबियों को जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है आमीन जी मेरे अजीजों आपने इस आयत पर गौर किया और देखा कि हम जिनकी कोई हैसियत ना थी जिनका कोई मकाम ना था हमें कैसे खुदा ने गुरे से उठाया और एक आला मकाम एक आला दर्जा अदा किया यानी के अपने बेटे और बेटियां ठहराया हमें शाही कायनों का फिरका बनाया बरगजिदा नस्ल और अपनी प्यारी कौम ठहराया हम जो कि गैर कौमों से थे हम भटके हुए थे कैसे उसने अपनी बाहें फैलाई और हमें गले से लगाया और हमें एक आला मर्तबा दिया कैसे उसने हमें एक आम मकाम से एक ख़ास मकाम में दाखिल किया अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें इस दुनिया में दो किस्म के इंसान और दो किस्म की शख्सियत नज़र आती हैं पहली वो शख्सियत या वो इंसान नजर आता है जो कि आम इंसान है जिससे हो सकता है कुछ लोग बात भी करना पसंद ना करें और उससे मिलना जुलना भी पसंद ना करते हों उसके बरक्स हम देखते हैं कि एक ऐसा शख्स और एक ऐसा इंसान है जिसको इस दुनिया में बहुत से लोग पसंद करते हैं उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं और उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं ये दो मुखलिफ़ किस्म के इंसान और शख्सियात हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं यानी कि एक ऐसा आम शख्स और इंसान है जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में आम चीज़ें आम नौत के तरीक़ेकार को अपनाता हुआ इस जिंदगी को बसर कर रहा है और दूसरी तरफ हमें एक ऐसा शख्स नज़र आता है जो कि असर व रसूख रखता है और माशरे में उसका एक मकाम है एक रुतबा है लिहाजा यह हम दो तरह के करेक्टर्स और दो तरह के रुतबों को देखते और उनका मुशाहिदा करते हैं एक आम इंसान और एक ख़ास इंसान और ये रुतबे और ये आम और ख़ास की जंग दुनिया की पैदा की हुई है और ये सब दुनिया की नज़र से लोग इनको आम और ख़ास का दर्जा देते हैं अगर हम ऐसे शख्स के ऊपर गौर करें वो शख्स जो अपने आप को दुनियावी तौर पर खास समझता है या दुनिया में बसने वाले लोग उसके रुतबे और मकाम की वजह से उसको खास समझते हैं चंद चीज़ें ऐसे इंसानों और ऐसे अशास में कॉमन होती हैं वो शख्स प्राइड का शिकार होता है यानी कि उसे अपनी दौलत अपने रुतबे और अपने मकाम पर फख्र होता है वो अपने आप को एक सेल्फ मेड इंसान समझता है और खुदा की शुक्रगुजारी से दूर होता है खुदा को बहुत कम वक्त देता है उसके साथ साथ उसमें और नुमाइश खुद परस्ती पाई जाती है बहुत से लोगों से वो हसत करता है लेकिन इसके साथ साथ उसमें एक और नेचर पाई जाती है जो कि एक जिद या कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर जिद्दी और स्टबंट किस्म का बिहेवियर शो करना जो उसको दूसरे लोगों से जुदा करता है और फिर ऐसा इंसान ज्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाता ज़्यादा लोगों से दूरी इख्तियार करता है और अपने आप को एक आला और एक अजीम ज़र्फ़ का इंसान दुनियावी तौर पर जाहिर करता है दूसरी तरफ हम अगर उस आम इंसान पर गौर करें जिसको शायद ये माशरा और दुनिया एक आम इंसान और एक सीधे साधे शख़्स के तौर पर देखती है अगर हम ऐसे इंसान पर गौर करें तो हमें वो शख़्स दुनिया में मुख्त ऐसी चीज़ों को करता हुआ नज़र आता है जो कि उसे दूसरे ख़ास इंसान या शख़्स से डिफरेंट करती हैं ऐसा शख्स सादगी पसंद होगा जो कि सादा या आम लिबास जेब तन करता होगा ऐसा शख्स रोजमर्रा जिंदगी के ऊपर रोज की रोटी के ऊपर खुदा का शुक्र अदा करता है ऐसा शख्स लोगों से मोहब्बत और खलूस से पेश आता है ऐसा शख्स हमें खुदा की हमद करता हुआ नजर आता है ऐसा शख्स सख्त हालात का मुकाबला करता हुआ नजर आता है ऐसा शख्स साबिर होता है यानी कि वो सबर शुक्र और तहमल से ठहरा रहता है ऐसे शख्स में जिद नहीं पाई जाती ऐसा शख्स दूसरों का ख्याल करता है दूसरों के दर्द और दुख को समझता है क्योंकि वो खुद दुखी होता है और मुश्किलात को झेलता है ऐसा शख्स स्ट्रॉन्ग माइंडेड होता है यानी कि वो इन तमाम मुसीबतों को झेल झेल कर एक सख्त नौीय का नेचर का इंसान बन जाता है ऐसा शख्स बहुत सी दफ़ा रद्द किए जाने का भी शिकार होता है यानी कि माशरा और ये दुनिया और ये कल्चर उसको अपनाता नहीं है बल्कि धुतकारता है उसको रद्द करता है जिसकी वजह से उसे मुख्लिफ मकाम पर नाकामी का सामना और मुंह देखना पड़ता है मेरे अजीजों यह हम गौर करेंगे कि खुदा की नज़र में वो कौन शख्स है वो कौन सा इंसान है जो खास है खुदा की नज़र से अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि ऐसा शख्स जो के खुदा के हुक्मों पर अमल करता हो ऐसा शख्स जिसमें प्राइड ना हो ऐसा शख्स जो के खुदा तरस हो ऐसा शख्स जो म्यां रबी को तैयार करे ऐसा शख्स जो खुदा के आगे झुक जाए ऐसा शख्स जो कि ताब्यादार हो ओबीडियंस को दिखाए ऐसा शख्स खुदा की नजर में खास शख्स और इंसान होगा उस शख्स पर खुदा की नजर आन ठहरती है क्योंकि वो उन लोगों को पसंद नहीं करता जो तकबर का या प्राइड का शिकार होते हैं वो ऐसे शख्स को ढूंढता है जो कि शिकस्ता दिल है जो टूटे हुए हैं जो कि रद्द किए हुए हैं वो उनको अपने पास बुलाता है उन पर नजर करता है और वो ऐसे इंसान को देखता है कि उनकी कौन सी खूबी है उनमें कौन सी ऐसी खूबी पाई जाती है वो उस एक खूबी को या एक से ज्यादा खूबियों को ले लेता है और उनकी उस खूबी को लेकर उस आम शख्स को एक खास शख्स बनाने के सफर में लग जाता है या हम देखते हैं कि हमें बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो इंसान जो अपने आप को बुलंद और ऊंचा करना चाहेगा वो असल में नीचा किया जाएगा जो अपने आप को पस करता है वो ही बुलंद किया जाएगा लिहाजा मेरे अजीजो वो शख्स वो भाई वो बहन जो अपने आप को पस करता है जो अपने आप को आजिश करता है जो खाकसार बनता है खुदा ऐसे शख्स पर नगा करता और उसको उठाता खड़ा करता और उसको यूज करता है और उसको आम इंसान से खास इंसान बनने की तरफ रागब कर देता है खुदा इन तमाम चीजों पर गौर करता है और वो आम इंसान की उस खास चीज और उस खास हैबिट और उस खास बात के ऊपर गौर करता है जिसकी वजह से खुदा उस आम इंसान को खास बनाना चाहता है क्योंकि बलावे और ख़मत ला तब्दील हैं और ये तमाम प्लान्स जो खुदा उस भाई या बहन के लिए रखता है वो अजल से उसके मनसूबा का हिस्सा हैं खुदा ने उन तमाम प्लान्स को घड़ रखा और बना रखा है और लिहाजा जब वो वक्त आता है उस इंसान के लिए उस आम भाई या बहन के लिए जो कि दुनिया की नज़र में तो आम है लेकिन खुदा को उसकी कोई एक बात कोई ऐसी बात जो कि बिल्कुल खास है जो सबसे अलग और हटकर है दुनिया को शायद वो बात पसंद ना आती हो लेकिन खुदा की नजर में उस बात की बड़ी इज्जत है बड़ा मकाम है और खुदा को वो बात दिल से पसंद आती है लिहाजा खुदा ने उस भाई बहन के लिए जो मनसूबा अजल से बना रखा है खुदा उस पर उस भाई को ढालता लाता और तराशता है और वो इंसान वो भाई और बहन आहिस्ता आहिस्ता खुदा के उस मंसूबा में ढलता जाता है और वो एक आम सा इंसान कुछ ही दिनों में कुछ ही सालों में ख़ास शख्सियत में ढलता जाता है और वो खुदा की उस प्लान और उस मंसूबे का जिसको उसने अजल से उस भाई के लिए रख छोड़ा था कि वो उससे ख़ास खिदमत को और ख़ास प्रोग्राम को सरंजाम देगा वो पाया तक मेल तक पहुंचाता है लिहाजा मेरे बहनों और भाइयों, देखते हैं कि बेशक ऐसा एक आम इंसान, एक आम बहन या भाई खुदा के उस मंसूबे का हिस्सा तो होता है लेकिन बहुत सी दफा ऐसा होता है कि वो शख्स वो भाई या बहन अपनी इस बुलाहट को और अपने इस बुलावे को सही तौर पर समझ नहीं पाता और वो उससे लेन देन या अपनी इस खिदमत को संवारता नहीं या इसको नखारता नहीं या इससे रूहे नहीं जीतता इससे वो खुदा की कलाम की बशारत नहीं करता अपने इस तोड़े का इस्तेमाल नहीं करता और जैसे हमें बाइबल में मिलता है कि इस तोड़े को और वो खिदमत जो उस भाई बहन को खुदा ने अता की है उस आम इंसान को एक खास इंसान बनाने के लिए उसने जो तोड़ा उसकी जिंदगी में रखा है वो उससे लेन देन नहीं करता यानी कि उसका इस्तेमाल नहीं करता और क्या होता है कि कुछ देर बाद वो इंसान उसी मकाम पर नजर आता है क्योंकि खुदा का प्लान तो उसके लिए खास और अमीक है लेकिन यहाँ वो भाई या बहन खुद चेंज नहीं होना चाहता और अपने उस तोड़े को उस कॉलिंग को सही तौर पर समझ नहीं पाता खुदा उसको एवेंजलिज्म के लिए इस्तेमाल करना चाहता हो या खुदा उसको अपनी परस्टिश के लिए इस्तेमाल करना चाहता हो लेकिन अगर वो भाई बहन सही तौर पर अपने इस बुलावे को समझ नहीं पाया और ना सही तौर पर उसने इस तोड़े का लेन देन किया है तो वो शख्स वहीं खड़ा रहता है और खुदा इस बात को पसंद नहीं करता क्योंकि खुदा तो उसको आम से ख़ास करना चाहता है और चाहता है कि उसके ज़रिए और भी लोग बरकत पाएं हम बाइबल में ऐसे बहुत से करेक्टर्स को देखते हैं जिनको खुदा ने एक आम इंसान से एक ख़ास और आला इंसान बना दिया और उनसे एक बहुत बड़ा काम लिया एक ख़ास मंसूबा और एक ख़ास प्लान जो खुदा उन लोगों के लिए रखता था उसके लिए उसने अपने उन बंदों को चुना उनकी उन बातों पर गौर किया जिनकी वजह से वो खुदा की नज़र में मकबूल हुए और उन्होंने उन अजीम कामों और मंसूबों को जो खुदा उनके ज़रिए पाया तकमील तक पहुंचाना चाहता था खुदा ने उन लोगों को यूज़ किया उनको उठाया उनको तसल्ली तकवीत और कुत फरमाई और उनको गाइडेंस दी और उनको बताया कैसे उन्होंने इस मंसूबे को जिसको वो स्पेसिफिकली उन लोगों के जरिए पाया तकमील तक पहुंचाना चाहता है और उन पर रवील किया और हम ऐसे बहुत से किरदार बाइबल में देखते हैं ऐसे ही एक किरदार जिस पर हम गौर करेंगे जदौन जदौन गिडियन एक ऐसा करैक्टर हमें नज़र आता है जो कि एक खुदा तर्स इंसान था खुदा का खौफ उसके दिल में था और हम उसके कुछ ऐसे करेक्टर्स पर गौर करते हैं जिसकी वजह से खुदा ने उस पर नगाह की खुदा को उसकी वो बातें पसंद आईं खुदा को उसकी वो अदात पसंद आईं वो फेल खुदा की नज़र में मकबूल ठहरे वो क्या ऐसे फेल थे जिसकी वजह से खुदा ने उसको सरफराजी बख्शी और अपने उस प्लान का मंसूबे का हिस्सा बनाया हम देखते हैं कैसे जब दुश्मन अनाज को हत्याने छीनने और झपटने के लिए वहां आते तो वो जुदा कैसे उसको कोलू में छुपा लेता उनसे हाइड कर लेता और दुश्मन ये समझकर गाफिल हो जाता और उसका ध्यान बढ़ जाता कि कोलू में तो शायद ऐसी चीज़ नहीं हो सकती वहां तो सारी वेस्टेज पाई जाएगी तो लिहाजा यहां उनको वो अनाज जिसको वो चुराने और हत्याने के लिए आए थे वो उनको नहीं मिलेगा लिहाजा जब खुदा ने उसकी इस एबिलिटी पर गौर किया तो खुदा ने एक अजीम मनसूबा जो वो अपने दिल में अजल से जो दौन के लिए रखता था उस पर रवील किया और फिर कैसे खुदा ने उसको एक फौज तैयार करने का हुक्म दिया और खुदा ने उसको गाइड किया कि किस तरह की सिलेक्शन तुझे करनी है किस तरह की फौज तुझे इस मुकाबले के लिए इकट्ठी करनी है लिहाजा हम देखते हैं कि कैसे खुदा ने जब सिलेक्शन की बात आई तो उन आम से लोगों को सिलेक्ट किया जो कि पानी को चपड़ चपड़ कर पीते थे यानी कि खुदा की नज़र में वो आम से लोग उस अजीम मंसूबा और उस अजीम लड़ाई के लिए उनका चुनाव किया गया इसी तरह हमें बाइबल में से एक करैक्टर दाऊद नज़र आता है कि कैसे खुदा ने अपने एक अजीम मकसद के लिए उसका चुनाव किया उसका इंतखाब किया दाऊद जो कि बच्चा ही था और खुदा की प्रस्तिश में मसरूफ़ रहता जंगलों में भेड़ और बकरियों को चुराता और उनकी गल्लाबानी करता और अगर कोई दरिंदा आ जाता तो उसका मुकाबला करता और जब वो वक्त आ गया कि दाऊद का इंतखाब किया जाए और उसको चुना जाए तो हम देखते हैं कि कैसे जब तेल को डेला गया और उसका चुनाव और उसकी सिलेक्शन की गई जब खुदा ने कहा यही वो बंदा है जिसको मैं चाहता हूं कि तू मेरे लिए चुने तो हम देखते हैं कि तेल उसके सर से बहता हुआ उसके मुंह से बहता हुआ उसकी दाढ़ी पर आ पहुंचा और खुदा ने उस अजीम बंदा को चुन लिया जो कि एक आम सा इंसान था लेकिन अब एक खास मंसूबा और एक ख़ास प्लान को पाया तक मील तक पहुंचाने के लिए खुदा ने उस आम से इंसान को ख़ास बनाने के लिए उस प्लान का आगाज कर दिया था और जैसे ही दाऊद को तेल से मसा किया गया और जैसे ही खुदा ने दाऊद का इंतखा किया और उसको चुना तो हम देखते हैं कि रूह उस पर और जोर से आने लग गया और फिर ये वो वक्त था जब उसने जाति जूलीत को मार डाला और खुदा का झंडा बुलंद किया अगर हम मूसा की लाइफ पर गौर करें तो कैसे खुदा ने एक बच्चा को फिराउन के महल में ले गया और वो उस वक्त इस प्लान को इस मंसूबा को नहीं जानता था जिसके लिए खुदा ने मूसा का इंतख्य किया था लिहाजा वो उस आम से बच्चा को आम से इंसान को उन महलों में ले गया उन महलों में जहाँ तक किसी की रसाई मुमकिन न थी उसको वहाँ पहुँचा दिया फिर हम देखते हैं कि कैसे फ़िराउन के उन मैलों में मूसा ने वो तमाम तरबियत हासिल की और जब वो जवान हुआ तो वो फिर वो वक्त आ गया जिसके लिए खुदा ने अपने इस बंदा को इस आम से बंदा को उन ख़ास मकाम में दाखिल किया था लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अब खुदा उन खास रुतबों मकाम से मूसा को दोबारा उस आम मकाम पर लाना चाहता था ये ना हो कि वो भी उस फ्रौनीत के मज़े लेने लग जाता और वो भी अपने आप को उन मैलों के अंदर और उस बादशाह का हिस्सा बना लेता लिहाजा खुदा ने उसके दिल में इसराइली कौम के लिए तड़प और प्यार को पैदा किया और वो फिराउन के मैलों से बाहर आ गया वो वहाँ से निकल आया उसका दिल अपनी कौम इसराइली कौम की तरफ खींचता था क्योंकि उसका मकसद उनको उस ग़ुलामी से आज़ादी और रहाई देने का था और उस मकसद का आगाज खुदा ने मूसा को यह सब दिखाकर और सिखा कर शुरू कर दिया यानी कि उस आम इंसान को पहले खास मकाम पर लेकर गया जो कि दुनिया की नज़र में ख़ास है लेकिन उस खास मनसूबा को जो कि खुदा की नज़र में ख़ास है जब अपने बंदा मूसा पर रवील किया तो दोबारा उसको उन दुनियावी खास मकाम से एक आम इंसान यानी कि उस कॉम बनी इसराइल कौम के सामने ले आया वो उनके साथ घुल मिल गया उसका दिल और उसकी सोच अपनी कौम के लिए थी उसका दर्द अपनी कॉम के लिए था और फिर हम देखते हैं कि कैसे उसने अपनी कौम को उस गुलामी से नजात दिलाई फिर हम बाइबल में से एक करदार पर गौर करते हैं जो कि साउल कहलाता है साउल जो कि खुदा के बंदों पर और खुदा के लोगों पर मुसीबत ढाता था उनको कत्ल करता उनको मारता हलाक करता और इजारसानी करता और रात दिन वो इन चीजों पर गौर करता और इसकी मनसूबाबंदी करता कि कैसे उसने खुदा के लोगों को हलाक करना और उनको मारना है फिर एक दिन जब वो सफर में था तो हम देखते हैं कि आसमान से एक नूर बरसा और वहां से आवाज आई कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है और हम देखते हैं कि कैसे खुदा ने कहा तू शहर में वापस जा और जो तुझे कहना तो मुझे बता दिया जाएगा लिहाजा ये वो वक्त था कि कैसे तारीकी से वो निकल कर नूर के अंदर दाखिल हो गया वो एक आम सा इंसान था जो कि खुदा के खिलाफ खड़ा था उसके खिलाफ काम करता था लेकिन जब तारीकी से निकल कर नूर की तरफ जाने का वक्त आ गया जो उसके लिए मकसद क्योंकि खुदा ने अजल से उसको गैर कौमों का रसूल बनाकर चुन रखा था जब वो वक्त आया तो खुदा ने आवाज दी लेकिन वो इन तमाम बातों को समझ नहीं पा रहा था और फिर वो छिलके जो उसकी आंखों पर पड़े हुए थे वो तारीकी के छिलके वो गिर गए जैसे ही वो छिलके गिरे तो उसने अपने खुदा को और उसकी इस आवाज पर शिनवा हुआ और कान धरा और वो उसके इंतखाब और सिलेक्शन का वक्त था जब खुदा ने उसको इस मकसद के लिए चुन लिया और फिर उसको एक नया नाम दिया वो नाम था पालूस और फिर वो गैर कौमों का रसूल बना और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा मारे खाई और खुदा का नाम और बशारत दुनिया के कोने कोने तक फैला दी और ये उसका वो सफ़र था जो कि एक आम से ख़ास बनने तक का था कैसे खुदा ने उस आम इंसान एक आम से शख्स को एक ख़ास मकसद के लिए बुलाया और उसकी सोच को उसके दिल को तब्दील किया और उसको एक नया इंसान बना दिया उसको एक नया नाम दे दिया और वो फिर खुदा की खिदमत में मसरूफ़ हो गया मेरे जिजो आपने इन तमाम बाइबल के बेमिसालेक्टर पर गौर किया और स्परिचुअल इंकाउंटर में जाना कि कैसे खुदा ने इन आम इश्कास का किया इन तमाम आम इंसानों को एक खास मकसद के लिए चुना ताकि वो आम से एक खास इंसान बन जाए उन्हें अपने उस प्लान का हिस्सा बनाया उसमें शामिल किया इसी तरह हम अब गौर करते हैं पत्रस की जिंदगी पर शमान पतरस जो के एक मछेरा था जो कि मछलियां पकड़ता था और दिन रात उसका कारोबार और काम यही था जालों को बुनना और सुबह सवेरे और रात में जालों को डालना और मछलियों को पकड़कर उनको बेचते और ये उनका कारोबार था लेकिन एक दिन हम देखते हैं कि वो सारी रात जाल डालते रहे लेकिन कोई भी मछली उनके जाल में ना आई और फिर हम देखें कि उस मौका पर यीशु वहां आन मौजूद हुआ और यीशु ने शमा उन पत्र से कहा कि गहरे में चल और उसने ऐसा ही किया और जैसे ही यीशु ने कहा यहां जाल डालो तो कुछ ही पल में वो जाल फटने लग गए और वो मछलियों से भरपूर हो गए और उनको दूसरों की मदद लेना पड़ गई और वो तमाम इस कामयाबी से बहुत खुश हुए और फिर वो वक्त आया जब इस आम से इंसान को ख़ास बनाने के लिए यीशु मसीह ने उस पर नगा की यीशु मसीह ने उसको गौर से देखा तो उसने कहा ए मालिक तू यहाँ से चला जा क्योंकि मैं एक गुनागार शख्स हूँ तू मेरे पास से चला जा लेकिन यीशु उस आम इंसान के लिए एक मंसूबा रखता था वो अजली मंसूबा जो पहले से उसके लिए तैयार था ये सुने उसको कहा आज से तू आदमगीर होगा मेरे पीछे हो ली और वो उसी वक्त अपने जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए यानी कि उस आम से इंसान उस आम से मछली पकड़ने वाले शख्स को खुदा ने एक अजीम मंसूबा, यानी कि अपने खिदमत में शामिल कर लिया ताकि वो रूहों को जीते मोज करे उसकी गवाही दे उसकी बिशारत करे उसने उसे उस अजीम मनसूबे का हिस्सा बना लिया और उसको कहा तू अब आदमगिर होगा यानी कि तू रूहें जीतेगा और उसके बाद वो उसके पीछे हो लिए, यानी कि वो अब एक आम इंसान नहीं रहा था वो एक खास इंसान बन चुका था यीशु ने उसे अपने शिगिर्द होने का दर्जा अता किया फिर हम देखते हैं कि कैसे एक बार जब योहना और शमाउन पतरस हैकल की तरफ जा रहे थे तो रास्ता में एक जन्म का लंगड़ा वहां भीख मांगा करता था जो कि वहीं मौजूद होता था उसने कुछ मिलने की गर्ज से योना से कुछ लेना चाहा कि वो उसको कुछ भीख के तौर पर देंगे लेकिन या हम देखते हैं कि कैसे शमान पत्रस ने उसको कहा कि तू मेरी तरफ देख उसने कुछ मिलने की अर्ज से उसकी तरफ देखा तो उसने जवाब दिया कि सोना चांदी हमारे पास है नहीं लेकिन फक्त जो हमारे पास अजीम और खास चीज है जिसकी वजह से हम आम से खास हुए हैं वो चीज हम तुझे दिए देते हैं वो खास चीज हम तुझे देते हैं और जैसे ही उसने उसको ये कहा और उसका हाथ पकड़ को उसको उठाया तो उसके टखने मजबूत हो गए और वो चलने लग गया और खुदा की हम और तारीफ करने लगा और हैकल में चला गया यानी कि वो भी उस प्रस्त में शामिल हो गया और एक आम इंसान से एक खास इंसान बन गया क्योंकि वो हैकल में दाखिल हो गया और खुदा की तमजीद करने लग गया लिहाजा मेरे अजीजों ये वो अथॉरिटी थी जो यीशु मसीह ने शमान पतरस को यमुना को अपने शिकर्दों को अता कर दी थी जिसके बायस वो आम से दिखने वाले इंसान आम से लोग एक ख़ास मकाम हासिल कर गए थे और इस अथॉरिटी और इस खास मकाम और रुतबे की वजह से वो गली गली मनादी करते खुशखबरी को आम करते खुदा के नाम का झंडा बुलंद करते उसकी गवाही देते और मौज करते फिरे हमें नज़र आते हैं और इसी तरह हम बाइबल के एक बहुत अहम करदार की तरफ देखते हैं हम देखते हैं कि मरियम जो कि यीशु की माँ थी कैसे वो एक आम सी दिखने वाली सीधी सादी औरत थी और उसको ये मालूम ना था कि खुदा उसको किस मंसूबे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है वो एक खुदा खौफी में जिंदगी गुजारने वाली और खुदा से डरने वाली औरत थी और हम देखते हैं कि कैसे फरिश्ता उस पर वो सारा मैसेज लेकर उसके सामने आता है और वो डर जाती है और उस बयान से घबरा जाती है यहाँ हमें एक आम सा और एक सादा सा करैक्टर नजर आता है लेकिन वो इस अजीम मनसूबे का हिस्सा बनने जा रही थी जिसके बारे में वो नहीं जानती थी जिसके बारे में फरिश्ता ने उसको बताया और फिर कैसे वो आम सी औरत और वो आम सी खातून एक अजीम मनसूबे के लिए एक खास मकसद के लिए चुनी गई उसका इंतखा किया गया यानी कि वो औरतों में मुबारक होगी यसु मसीह जो पूरी दुनिया को बचाने और हमारा कफारा देने और इस दुनिया को गुनाहों से छुड़ाने के लिए आ रहा था उसका जन्म मरियम से होने वाला था और वो आपसे लेकर सारे जमानों के लोग उसको मुबारक कहने वाले थे और कैसे ये आम से दिखने वाली औरत एक ख़ास मकाम हासिल कर गई और कैसे उसको एक अजीम दुनिया के अब तक के सबसे अजीम मंसूबे का हिस्सा बना लिया गया और फिर कैसे यीशु का जन्म हुआ यीशु कैसे अर्श को छोड़कर फर्श पर आ गया यहां हमें उस तमाम रुतबे उन तमाम मकामत और उससे हटकर एक मसाल मिलती है लोग तो अपनी मकाम रुतबों की जंग में मसरूफ हैं दुनिया में आम और खास की दौड़ लगी है लेकिन यहां हम देखते हैं कि कैसे खुदा ने मरियम का इंतखाब किया और फिर खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा आसमान से यानी कि वो अर्श को छोड़कर एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मकाम और वो खास मकाम छोड़कर वो पस्त हो गया वो आम इंसान बन गया पहले हमने उन तमाम करेक्टर्स और उन तमाम इंसानों और उन तमाम नौईयत की चीजों पर गौर किया जो आम से खास के दर्जा पर जा रही हैं। लेकिन खुदा का प्यार इस दुनिया से देखें कि उसने अपना कलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया ताकि वो अर्श को छोड़कर फर्श पर आ जाए पस्त हो उसने अपने आप को हकीर कर लिया उसने अपने आप को पस्त कर लिया यानी कि उसने खास से आम बन गया ताकि वो हमारे दरमियान में फिर वो कैसे यरूशलम की गलियों में गलील की गलियों में फिरता और लोगों से बातचीत करता उनको शिफा देता मोजाद करता वो इस दुनिया में आया उसने अपने आप को एक आम इंसान बना लिया ये आम इंसान उसने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ आपकी और मेरी वजह से बनाया ताकि हमारे लिए जान कुर्बान करे खून बहाए सूली पर चढ़ जाए दुख उठाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे ताकि हमारा बाप से मेल करा सके हमारी बाप से दोबारा सुलह करा सके और फिर इस रिश्ते को रिस्टोर कर सके यानी कि हमें वो खास दर्जा देने के लिए क्योंकि हमारा दर्जा खत्म हो चुका था हम तो गूरे पर पड़े हुए थे हमारी कोई हैसियत ना थी और उसने हमें अपनी वो उम्मत बना दिया अपनी खास उम्मत बना दिया बरगजीदा कौम बना दिया और हमें गले से लगा लिया हमें वो मकाम बख्श दिया कि अब हम खुदा के बेटे और बेटियां कहला सकें लिहाजा ये अजीम मंसूबा पाया तक मील तक पहुंचाने के लिए यसु मसीह ख़ास से आम बन गया ताकि वो हमें ख़ास रुतबा और मकाम दे सके हम मती बाईस में एक तमसील को देखते हैं कैसे बादशाह ने एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त का तमाम किया और उसमें उसने मुख्तफ बलावे भेजे उसने मुखलिफ लोगों को इनवाइट किया लेकिन उन सब ने उसके इस बुलावे को ठुकरा दिया और कोई भी उस जियाफ़त और दावत में शरीक ना हुआ और बादशाह इन तमाम बातों से नाखुश हुआ उसको ये बात पसंद ना आई फिर उसने कहा कि तुम सड़कों से जो कोई भी तुम्हें नजर आए उसको इस जियाफ़त के लिए बुला लाओ और फिर उन तमाम लोगों को वहां जमा किया गया और वो वहां आए और जियाफत का हिस्सा बने यानी कि हिस्सा बना डाला है हम जो के गैर कौमों में से थे खुदा की चुनिंदा कौम होने का दर्जा हमें अदा कर दिया गया हमें जो कि बाहरी लोग थे जिन पर किसी का ध्यान ना था हम आम से लोग थे हमें कोई पसंद नहीं करता था हम गोरे पर यानी कि मट्टी पर बैठे हुए लोग थे और हमें गले से लगा के उस बादशाही का हिस्सा बना दिया और अपनी उस जियाफ़त में हमारा शुमार कर दिया और अपनी बादशाही की मरास हमें अपनी उस अजीम कुर्बानी के बाईस बख्श दी अगर हम रोमियो नौ बाप और उसकी बाईस आयत में देखें तो हम देखते हैं पलूस रसूल कैसे बयान करता है कि हम कोई कौम ना थे हम कोई उम्मत ना थे लेकिन वो वसीन नबी का वो हवाला देते हुए बताता है कि कैसे उसने हमें अपनी उम्मत बनाया और अपनी रहमत और अपना फजल हम पर किया और उस फजल के बायस ही ये मुमकिन हुआ कि हम उसके बेटे बेटियां ला सकें शाइकानों का फिरका बनाया क्योंकि वो हमारा हाई प्रिस्ट है वो हमारा सरदार कायन है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं हमें ये कहानत बख्शती इस जमीन पर भी उसने हमें ये कहानत बख्शी और अब जब हम उसको मिलेंगे और बादशाही का हिस्सा बनेंगे तो हम ये कहानत जो दर्जा उसने हमें अता कर दिया है, उसका उसका दिल दिल से से होते हैं, दिल से उसका हम शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें कहानत किस दर्जे पर फाइज कर दिया हमें यह दर्जा उसने अता कर दिया हमें आम से खास कर दिया ऑर्डनरी से उसने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दर्जा अता फरमा दिया हम जो गूड़े पे पड़े हुए थे हमारी कोई हैसियत ना थी उसने हमें एक आला मकाम अता कर दिया ये ये मकाम जो के सिर्फ लावियों के लिए था लेकिन कैसे यसु मसीह की उस अजीम कुर्बानी के बायस उस फजल उस ग्रेस के बायस उस मर्सी के बायस ये सब मुमकिन हुआ कि हम कहानत के उस दर्जा पर फायज हो गए और उसने हमें खुदा की वो खास मलकियत बना दिया खुदा की खास मलकियत से मुराद है वेरी ओन ऑफ गॉड यानी कि खुदा के दिल के करीब ऐसी उम्मत और ऐसी मलकियत जिसको खुदा पसंद करता है हम कोई कौम ना थे कोई उम्मत ना थे हम तो एक गैर कौम थे हम उसकी पसंदीदा कौम से बाहर थे लेकिन जब उन्होंने उसको कबूल ना किया उसको रद्द किया उसके अहकाम को ना माना उससे मुंह फेर लिया तो फिर उसने बाहरों को इकट्ठा किया फिर उसने गैर कौम को ये मौका अदा कर दिया इसके लिए हमें दिल से शुक्र गुजार होना चाहिए कि कैसे हमें उसने आम से खास मकाम पर फाइज कर दिया और अब उसने हमें अपने बेटे बेटियां बना डाला है हमें इस बात के लिए शुक्र अदा करना है और उसने कैसे हमें बरगजीदा नस्ल ठहराया बरगजीदा नस्ल यानी कि चुनिंदा कौम जिसको उसने खुद सेलेक्ट किया है वो कौम जो कि खुदा के करीब है लिहाजा ये मकाम जो उसने हमें दे दिया है ये एक ऐसा मकाम है जिसको हम उसकी अजीम कुर्बानी और अजीम कफारे के बायस पा सके हैं इसके बायस अगर वो कफारा ना देता तो हम इस आला मकाम और रुतबे पर फाइज ना हो पाते लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें उसके इस दिए हुए अजीम मकाम जो उसने हमें आम से खास रुतबे में दाखिल कर दिया है अब हमें उसके अकामत को मानना है और उसकी खूबियों को ज़ाहिर करना है उसकी खूबियाँ क्या हैं उसके वो एट्रीब्यूट्स क्या हैं यानी कि हम वो काम करें कि गैर कौम में अब हमें देखें तो वो इकरार करें कि ये खुदा के बेटे और बेटियाँ हैं और वो ईमान लाएँ वो आपकी फेल और आपके इमाल से मुतासर हों अब हमें अपनी जिंदगी से उसकी खूबियों को जाहिर करना है ताकि यसु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए हम तमाम उन चीज़ों को अडोप्ट करें जो हमारे यसु मसीह ने की उसने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे अब हमें वो तमाम काम करने हैं जिससे खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए और तमाम दुनिया में उसकी बशारत करनी है उसकी गवाही देनी है और इन तोड़ों को जो उसने हमें दिए हैं इनका इस्तेमाल करना है और जिसके बायस हम आम से खास हुए हैं अब ऐसा ना हो कि इस खास मकाम से कोई बहन या भाई या कोई शख्स दोबारा आम हालत में चला जाए ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि इन तोड़ों का लेन देन करना है इससे रूहों को जीतना है गवाही देनी है और दुनिया के आखिर तक उसके गवाह बनना है दुनिया के कोने कोने में जाकर उसकी मनादी करनी है और उनको बाप बेटे और रुदस के नाम से बपतिस्मा देना है ताकि वो बादशाही जो उसने हमारे लिए रख छोड़ी है उसमें वो मकाम जो उसने हमें आम से खास कर कर दिया है वो मकाम वहाँ हमें हासिल हो और हम अपने उस मकाम को रिटेन करें और साबित करें कि जो मकाम उसने हमें दिया है उसने ठीक तौर पर हमारी सिलेक्शन की है हम पूरे तौर पर तेरे साथ चलते रहे हैं और तेरी खूबियों को अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर किया है ताकि ये मकाम जो तूने आम से ख़ास मकाम हमें दिया है इसी तरह हम दूसरे लोगों को जो कि आम हैं उनको ये ख़ास मकाम बख्श दें उनको ये तेरी बातें उनके कानों में उनके दिलों में उनके दिमागों में उनकी रूह में डालें ताकि वो इकरार करें कि सिर्फ तो ही खुदा है तेरे अलावा कोई खुदा नहीं और वो तेरी बेटे की इस अजीम कुर्बानी पर ईमान लाएँ और रिपेंट करें और तेरे गवाह बने जिना जिन उम्मीद है कि आज के सरमन से आपने बरकत पाई होगी आप इस सरमन को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत पाएँ और आपने जाना कि आपका मकाम एक ख़ास मकाम है कैसे आप एक आम मकाम से ख़ास मकाम में दाखिल हो चुके हैं ऑर्डनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बन चुके हैं और ये सब यीशु मसीह की उस अजीम कुर्बानी के बास मुमकिन हुआ और अब आप आम नहीं रहे अब आप ख़ास लोग हैं अब आपका एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि आप खुदा की वो तमाम खूबियाँ ज़ाहिर करें ताकि दूसरे लोग भी जो कि गुनाह और बदी में हैं और ताकि वो भी आम से ख़ास बन जाए और वो बादशाही जो उसने हमें दी है उसका हिस्सा बने और वो मरास अपने लिए पाएं। आमिन गॉड ब्लेस यू